हिरदा मारे वो भवानी परिदा मारे वो अरदा बोड़ी भूजा पे दर्शन। सभी लोग एक बार अपनी कुलदेवी के नाम दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली। जिनने भगवान हाथ दिया है तो सभी लोग दोनों हाथ उठाए एक बार। हिरदा मारे वो मावड़ी परिदा मारे वो हरदा बोड़ी हरदा बोड़ी पूजा पे दर्शन देवो सुंदर माता। ¡Gracias!
दोनों हाथ उठाकर अपने अपने कुलदेवी माता की जय जयकार बोलेंगे। बोल कुलदेवी माता की जय। पोंछ रूप पची स्वर न्याती अरे कण झरणी रजाया रे पोंछ रूप पची स्वर न्याती रे दर्शन जीवन में कभी हो ही नहीं जना हो गया वो जीवन नो उन्नो कल्याण हो गया साहब। भजन गाना अलग बात है, भजन सुनना अलग बात है, लेकिन भजन ने ग्रहण कर पछे भजन ने गाणो और सबसे बड़ी बात है। दोनों हाथों को उठाते हुए जयकारा पूछे गणा भारती जी महाराज की। धन्यवाद। भारती जी महाराज, लेकिन संतों के शब्द अटल है साहब। बार कनी पूछे वे कन्ने करे हुआ कि मोरा परे करे हुआ बीजो कन्ने हुरे हुआ, लेकिन संतों ने जो लिख दिया वो बहुत अलग बात है जी। भजन एक ही है, भजन दो हो नहीं सकते साहब। भजन एक तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, धरती पड़िया उपसी उल्टा सुल्टा बीज, कबीर कुआ एक है पणियारी अनेक, और वर्तन न्यारे न्यारे है पर पानी सब में एक। वास्ते महात्मा लिख रहा है शशि गरहु हो भौण कर जागा सत मेरे वा समाया रे शशि गरहु हो भौण कर जागा रे हरि सत मेरे में समाया रे अलक पुरुष राजान धरत है अलक पुरुष राजान धरत है गुरु मोए शब्द सुनाया
जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो होवत है। गतराग जन जीवन भाई कोई पतो नहीं है, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की, और पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। कद कद गाड़ रसु सिंह भाग जावे, और समय को भरोसा नहीं कद पलटी मार जावे। इसलिए महात्मा अपने शब्द लिखते हैं, जागतड़े नर पुरो पद पायो उमड़े तो जन्म